आठ दस दिन में ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। आठ दस दिन में हमारे दिमाग में ढेरों विचार आने लगते हैं, हमारे शरीर की नस नाड़ियां तड़पने लगती हैं और कह रही होती हैं कि तू वही आदत फिर से अपना ले जो तू छोड़ना चाहता है, वही हस्त मैथुन फिर से करने लग जो तू इतने सालों से करता आ रहा है, ब्रह्मचर्य तेरे बस की बात नहीं। हमारे बहुत से युवा भाइयों की ये परेशानी है कि ब्रह्मचर्य आठ दस दिन में महीने भर में ही नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है, क्या करें। तो दोस्तों आज मैं इसके लिए एक तोड़ लेकर आया हूं, पूरा वीडियो जरूर देखना और इस तोड़ को करना जरूर, बता रहा हूं आपको बहुत आराम मिलेगा इससे, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, जब इतने सालों से हम कोई क्रिया कर रहे होते हैं, हमारी नस नाड़ियों को आदत है नीचे से एनर्जी रिलीज करने की, नीचे से एनर्जी निकालने की, अब वो रास्ते से वो एनर्जी नहीं निकल रही है, ठीक है। अब शरीर तड़प रहा है, दिमाग में विचार आ रहे हैं, अक्सर देखा गया है जब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं हमारे भाई, जैसे शुरुआत कर रहे होते हैं उसी समय ढेरों विचार आना शुरू हो जाते हैं, जितने पहले नहीं आ रहे होते हैं उसी समय ज्यादा विचार आने लग जाते हैं, साथ में शरीर भी तड़पने लग जाता है, और यही एक वजह है ब्रह्मचर्य नाश का। तो मैं आपके लिए भाई एक तोड़ है, उस समय आपको क्या करना है, जब आपको सबसे ज्यादा वासना सताए ना, जब आपको लगे कि आपका शरीर तड़प रहा है, आपके दिमाग में विचार बहुत आ रहे हैं, उसी समय पुशअप्स लगाने शुरू कर दो, दंड बैठक शुरू कर दो। जी हाँ, आप सोचेंगे ये कैसा उपाय है, लेकिन मेरे भाई ये बहुत ही कारगर उपाय है और मैंने खुद अपने ऊपर इसे लागू कर रखा है। उसी समय अपने शरीर को सबसे ज्यादा थका दो, फिर आपके पास समय ही नहीं बचेगा, बिस्तर पे जाए और आपको नींद लग जाए। अक्सर देखा जाता है कि खाली समय में ही विचार अपनी तीव्रता से आते हैं, हमें काम वासना के विचार तीव्रता से आते हैं जब हम खाली समय में होते हैं, और उस समय एनर्जी हमारे शरीर में जो है ना रिलीज होने के लिए नीचे का रास्ता ही देख रही होती है, क्योंकि उसे आदत है कि वो नीचे से निकलना चाहती है, और वो आपको प्रबलता से आक्रमण करती है और आप हस्त मैथुन कर बैठते हैं, लेकिन अब नहीं, अब आर या फिर पार, आपको उसी समय ना दंड बैठक करना है, उठक बैठक करना है, स्क्वाट्स करना है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसी समय करने लग जाइए आप, ठीक है ना। और इतने कीजिए जितनी आपकी क्षमता है, इतना कीजिए कि आपको थकावट लगने लगे, आपकी सांसें कि नहीं यार मैं थक चुका हूं, अब मेरे पास फालतू समय नहीं है इन सब के लिए कि मैं सोचूं कि मेरे शरीर को कुछ भी, अपने शरीर को थका दो, और यही आपकी आदत को बदल देगा और आपकी नई आदतें बनने लगेगी। दोस्तों करके देखिएगा, ये बहुत ही कारगर उपाय है, मैं खुद करता हूं मेरे भाई, और ये बहुत असरदार है। समय नहीं है, शरीर को इतनी मेहनत करवाओ ना अपने शरीर से मेरे भाई कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, आपको खुद लगेगा थोड़े दिन बाद यार मेरे अंदर गजब का परिवर्तन आ गया है। जब आप उठक बैठक करते हैं ना तो आपको एहसास होगा कि आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। करके देखो मेरे भाई, इससे बढ़िया तोड़ और नहीं मिलेगा। नहीं करोगे तो फिर भाई ऐसे ही ब्रह्मचर्य नाश होता रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, जिस समय एनर्जी आपको लगे कि काम वासना आपको तड़पा रही है, आपके दिमाग में विचार ज्यादा है, उसी समय करना है, उसी समय पुशअप लगाने लग जाओ, दंड बैठक करने लग जाओ, अपने शरीर को थका दो, तो आपको बड़ा आराम मिलेगा इससे, और यह आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा ही दिमाग में विचार भर रहे हैं ना, तो कंटिन्यू करने लग जाओ, फिर देखो कमाल, करके देखना मेरे भाई, आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद।